हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शुभ ब्लॉग्स अगेन। तो बहुत समय के बाद हम रेडी है एक और नए ब्लॉग के साथ, एक और नई जर्नी। तो आज हम जा रहे हैं अमृतसर, अमृतसर से गोल्डन टेंपल, फिर गोल्डन टेंपल के बाद हम जाएंगे शिमला, मनाली, मतलब पूरा प्लान है। हमारी शुरुआत हो रही है अभी पनवेल रेलवे स्टेशन से और यहाँ से हम अमृतसर एक्सप्रेस पकड़ रहे हैं। गोल्डन टेम्पल के दर्शन करेंगे, वाघा बॉर्डर वगैरह देखेंगे, उसके बाद आगे के क्या प्लान होता है, मनाली शिमला सब सोचा है, भगवान की मेहरबानी सब अच्छा होगा। बोलो नाकोड़ा भैरवनाथ भगवान की जय हो। जय हमारी ब्लॉग। हमारी ट्रेन आ गई है गाइस, अमृतसर जंक्शन जाएगी ये ट्रेन, अमृतसर एक्सप्रेस। कोच आने वाला है B3, यहाँ पर इंतजार। सामान रखना है, सामान कितना सामान। अभी हमारा खाना स्टार्ट हो गया है विद द व्यू, मस्त ट्रेन, एसी है इसके लिए, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। गर्मी बहुत है बाहर। चलो अभी हम खाना खाते हैं, मिलते हैं आपसे बाद में। तो हाय गाइस, तो अभी हम सूरत से निकले हैं और हमें ज्वाइन किया है हमारे भाई साहब ने, कमलेश भाई ने। तो देखो कौन मिलना है। तो कैसा रहा आपका? कमलेश भाई ने हमारे लिए बहुत अच्छा नाश्ता लाया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। प्याज की कचौरी, सेव खमड़ी वगैरह सब था, समोसा स्पेशल समोसा और सूरत का रसमलाई स्पेशल का, और गर्मा गर्म चाय कॉफी था, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। और आगे और एंजॉय करना है, अभी ये तो शुरुआत है, अभी तो शुरू हुआ है, आगे और बहुत मजे करने हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारे शुभ ब्लॉग, शुभ ब्लॉग को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंजॉय करिए, फैमिली ट्रिप ये तो काफी मजा आएगा आगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। बंद कर, बंद कर, हो गया है। हेलो गाइस, हेलो गाइस, अभी हमें ना इधर आगे सुबह के 8:45 बजे अम्बाला रेलवे स्टेशन आ चुका है, ये पीछे हमारी ट्रेन खड़ी है और अभी चाय का चुस्को के साथ, चाय बहुत अच्छी है, अच्छा चुस्को के साथ, और कुलचे छोले खा रहे हैं हम, कुलचे छोले भी इधर अच्छे हैं, एकदम गर्मा गर्म, बहुत अच्छा है अम्बाला रेलवे स्टेशन। और अभी उसके बाद डायरेक्ट आ जाएगा अमृतसर, एक बजे और होटल में हम चेक इन करेंगे, हमारा गाड़ी आ रहा है होटल में लेने के लिए। धन्यवाद, सी यू, बाय बाय। अरे गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं अमृतसर, यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है जैसा कि आप देख सकते हो, गर्मी है, कैसा लग रहा है का टेम्परेचर? टेम्परेचर बहुत 41°C है यहाँ पे टेम्परेचर, अभी 41, एसी से हम उतरे, अभी एसी से उतरे, पूरा पसीना पसीने हो गया है, पसीना हो रहा है, यहाँ पर अभी वेट कर रहे हैं कूली के आने का, कूली आएगा सामान लेके जाएगा, जाते हैं हमारी होटल, आपको दिखाते हैं आगे की जर्नी। चलिए, तो हे गाइस, अभी हम जा रहे हैं गोल्डन टेंपल की तरफ, जो कि होटल से सिर्फ 800 मीटर्स की डिस्टेंस पर है। हमने थोड़ा रेस्ट किया होटल में चेक इन के बाद और फिर शाम को हम निकले वहाँ पर गोल्डन टेंपल की तरफ, और ये वहाँ के कुछ नज़ारे हैं मार्केट के। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट काफ़ी अच्छा है, मस्त मार्केट है, बड़ा मार्केट है और काफ़ी वेराइटी है यहाँ पर, काफ़ी कुछ मिलता है। तो कभी भी आप आओ गोल्डन टेम्पल, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, और ये गोल्डन टेम्पल के एकदम नज़दीक है, सो अच्छा है। तो देखिए मार्केट के नज़ारे, देखिए शानदार एकदम मार्केट है, और ये मम्मी पापा पीछे भी जाते हुए मार्केट के नज़ारे देखते हुए। ये हम अभी गोल्डन टेम्पल की तरफ बढ़ते हुए हम अंदर आ चुके हैं गेट से, और अभी अंदर जाते हुए जैसा कि आप देख सकते हो काफ़ी भीड़ है यहाँ पर,
यहाँ पर हमेशा ही मतलब भक्त रहते ही है श्रद्धालु, तो काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, काफ़ी मान्यता है ये मंदिर की, गोल्डन टेंपल की। यहाँ पर जो भी मांगो वो पूरा हो जाता है, तो काफ़ी चमत्कारी मंदिर है। जैसा कि आप देख सकते हो अभी दूर से दिख रहा है एक मीनारे गोल्डन टेंपल की, और हम भी अभी कुछ ही देर में अंदर पहुंच जाएंगे। तो अभी हम जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर सब चप्पल वगैरह रखने की व्यवस्था है, काफ़ी बड़ा वो एक हॉल टाइप है, काफ़ी ज़बरदस्त ये व्यवस्था है। जैसा कि आप लेफ्ट में देख सकते हो वो ये जो बिल्डिंग है, यहाँ पर सब चप्पल वगैरह रखते हैं, हाथ वगैरह धो सकते हैं यहाँ पर, हाथ मुँह वगैरह, काफ़ी अच्छी व्यवस्था है ये। हेलो नमस्कार, तो अभी हम पहुँच चुके हैं गोल्डन टेंपल के द्वार पर। पहुँच चुके हैं, हम आए इधर होटल में रुके, SB रेजिडेंसी होटल। होटल से 700-800 मीटर की दूरी पे ही है, मतलब आधा किलोमीटर के अंदर ही, आधा किलोमीटर के थोड़ा ऊपर रहेगा, डिस्टेंस है, वॉकिंग डिस्टेंस है। बहुत ही अच्छा वातावरण, बहुत ही अच्छा माहौल है, और अभी हम जा रहे हैं अंदर, थोड़ी देर में मिलते हैं आपको, बाय बाय। दर्शन करके आए हैं गोल्डन टेंपल का, अब ये रिक्शे में जा रहे हैं होटल की तरफ। पता नहीं कौन सी होटल पापा ने देखी है, अच्छी होटल बताई है मेरे को अभी, जिन्होंने रिक्शे वाले भाई साहब ने, ब्रदर करके प्योर वेज होटल है, इधर से 4 किलोमीटर में है। और गोल्डन टेंपल में कैसे रहे? टेंपल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, जबरदस्त। जबरदस्त दर्शन हुआ, हमारे लाइन थी 1.5 घंटे लगा हमको, 2 घंटे लगे, बट दर्शन अच्छे हुए। सामने से एक लाइन थी जो सिंगल लाइन थी, वो पीछे से दर्शन होते हुए, तो ये अच्छे दर्शन हुए हमारे सामने से। अभी हम अपने डेस्टिनेशन पे आ गए, आई लव ब्रदर्स, ब्रदर्स ढाबा, देखते हैं अभी कैसा है इसका खाना। ये अभी हमने खाना खाया है और उसके बाद यहाँ पर हम वॉकिंग कर रहे हैं, तो पूरा हमारे होटल तक जाता है सीधा रास्ता, तो पूरा इधर पेडेस्ट्रियन के लिए, मतलब ओनली वॉकिंग, नो कार्स अलाउड, ये कार्स यहाँ तक ही आ सकती है। काफ़ी ज़बरदस्त है ये, कितना है? 2 किलोमीटर का है यहाँ से गोल्डन टेम्पल, 1.5 है वॉकिंग, गाड़ी अलाउड नहीं है इधर, गाड़ी अलाउड ही नहीं है, 2 किलोमीटर में हमारी होटल आ जाएगी, और ज़बरदस्त है ये। आगे घूम रहे हैं मैडम कमलेश बाबू, और हम पीछे पीछे। यहाँ का कुछ सर्कल वगैरह आगे लगता है, यहाँ पर सब है स्टारबक्स वगैरह, अमृतसर स्ट्रीट फूड, काफी जबरदस्त एरिया, एकदम क्लीन। बजरंगबली का बहुत अच्छा फोटो है, देखिए जरा बजरंगबली का दर्शन कर लेते हैं।
काफी जबरदस्त ट्रीट है ये। अभी यहाँ पर हमने आइसक्रीम ब्रेक लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं जबरदस्त यहाँ पर एकदम शांत वातावरण, एकदम पेडेस्ट्रियन के लिए अच्छा है ये। मम्मी ऑरेंज कैंडी, पापा चॉकलेट कोन, वॉल्केनो चॉकलेट। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? अभी हमने वॉल स्ट्रीट पे ब्रेक लिया है और ये वाड़ीलाल का एक बस आइसक्रीम का मिला है पार्लर, उधर हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। ये जो नजारा अद्भुत, बहुत जांच जबरदस्त है, जबरदस्त एरिया, एकदम वॉल स्ट्रीट जैसा है। अभी रात के 11 बजे है लेकिन पब्लिक फुल चल रही है, पब्लिक फुल वॉकिंग वगैरह चल रहा है यहाँ पर। काफ़ी अच्छा एरिया है, यहाँ पर आना ज़रूर अगर आओगे तो, गोल्डन टेम्पल। चलो महाराजा रणजीत सिंह बनाया, ये महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति है जिन्होंने आई थिंक सोना गोल्डन टेम्पल पे सोना लगवाया था। आगे से आपको बताते हैं कैसा है। ये भी टाउन हॉल ऑफ अमृतसर, ये भी क्या नाम है, जबरदस्त एरिया है। और ये जो रास्ता है ये आई थिंक गोल्डन टेम्पल की तरफ जाता है, एकदम पूरा वॉकिंग डिस्टेंस एंड टू एंड। जबरदस्त बना है एकदम, मतलब यहाँ का एनवायरनमेंट 24/7 चालू रहता है। जबरदस्त बना है, भीड़ देखो यहाँ पर रात को। रात के 11:20 हुए हैं, यहाँ पर भीड़ देखो आप कितनी भीड़ है, मतलब एरिया एकदम क्या ही बोलूँ, जबरदस्त। मिस करते थे भाई, हाँ पूरा झगमग लाइटिंग फुल, रात को 11:20 एकदम फुल, एकदम लाइवली एरिया है। देख लिया आपने ये कैसा एरिया है, तो आप यहाँ पर ज़रूर आना कभी भी, गोल्डन टेम्पल आओगे नाइट में तो एकदम क्या ही बोलूँ, एकदम ज़बरदस्त एरिया। आज के इस व्लॉग में इतना ही गाइस, आई होप यू गाइस एंजॉयड वॉचिंग दिस व्लॉग, दिस जर्नी विल कंटिन्यू। टिल देन दिस इज शुभू व्लॉग्स साइनिंग ऑफ।